मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम उत्तर प्रदेश GIC लेक्चरर एंड TGT PGT अथवा उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे यह क्वेश्चंस। इसके अलावा अन्य एग्जाम में भी यह क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, तो यह क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट सब हैं। आइए हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? ऑप्शन ए है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन बी है गदर पार्टी, ऑप्शन सी है अनुशीलन समिति और ऑप्शन डी है विद्युत वाहिनी। तो इसका सही आंसर होगा डी, विद्युत वाहिनी से संबंधित आशुतोष कोइला थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में VD सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए है अलीपुर बम केस, ऑप्शन बी है नासिक षड्यंत्र केस, ऑप्शन सी है दिल्ली षड्यंत्र केस और ऑप्शन डी है लाहौर षड्यंत्र केस। तो इसका सही आंसर होगा बी, नासिक षड्यंत्र केस से। और आप लोग जानते भी होंगे कि जो VD सावरकर थे, इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। यह महाराष्ट्र, वर्तमान महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते थे अथवा रहने वाले थे। तो इन्हें नासिक षड्यंत्र केस यानी मामले में इनको, इन पर आरोप लगाया गया था या इनको अरेस्ट किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिए? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है अरविंदो घोष, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर होगा डी, बाल गंगाधर तिलक। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके GIC लेक्चररशिप में भी पूछा जा चुका है, UPPCS के एग्जाम में भी आ चुका है, IAS के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप लोग बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को देखिए। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी है वीर सावरकर। तो अभिनव भारत का संस्थापक वीर सावरकर थे, इसका सही आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चटगांव शास्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया? तो ऑप्शन ए है राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन बी है सूर्य सेन, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है सचिंद्र सान्याल। इसका सही आंसर होगा बी, सूर्य सेन। आगे हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कल्पना दत्त का संबंध था, तो कल्पना दत्त का संबंध था ऑप्शन ए है काकोरी कांड से, ऑप्शन बी है इंडियन रिपब्लिक आर्मी से, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से और ऑप्शन डी है युगांतर दल से। तो इसका सही आंसर होगा बी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस संबद्ध थे, तो खुदीराम बोस संबंधित थे किससे? ऑप्शन ए है लखनऊ से, ऑप्शन बी है कानपुर से, ऑप्शन सी है वाराणसी से और ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर से। तो इसका सही आंसर होगा डी, खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर से संबद्ध थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करते हुए निम्न कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो सही क्रम में व्यवस्थित करना है हम लोगों को, क्रम से। ए दिया है सतारा षड्यंत्र केस, बी दिया है अहमदाबाद बम केस, सी है पेशावर षड्यंत्र केस, डी है अलीपुर षड्यंत्र केस। तो क्रम से हम लोग जब देखेंगे इसको, तो इसमें डी यानी अलीपुर षड्यंत्र केस पहले आएगा नंबर एक पर, इसके बाद आएगा बी यानी दूसरे नंबर पर आएगा अहमदाबाद बम केस, इसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा सतारा षड्यंत्र केस और फिर चौथे नंबर पर आएगा पेशावर षड्यंत्र केस। तो इसका सही क्रम होगा या सही व्यवस्थित क्रम जो होगा, डी होगा नंबर एक पर, इसके बाद बी होगा, इसके बाद ए होगा, इसके बाद सी होगा। इसका सही आंसर ए होगा, यानी डी बी ए और सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी? वन यानी नंबर एक दिया है मित्र मेला, नंबर दो है अनुशीलन समिति और नंबर तीन है तरुण इटली और ऑप्शन दिया है विकल्प में ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दो, डी एक व तीन। तो इसका सही आंसर होगा बी केवल दो, सिस्टर निवेदिता अनुशीलन समिति से की सदस्य थी या अनुशीलन समिति नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से संबद्ध थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया? तो ऑप्शन ए है चितरंजन दास, बी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी है मोतीलाल नेहरू, डी है तेज बहादुर शप्रु। तो इसका सही आंसर होगा ए चितरंजन दास अरविंद घोष का बचाव किए और चितरंजन दास एडवोकेट भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में भी यह पूछा जा चुका है, आईएएस में भी जनरल स्टडी पेपर में यह क्वेश्चन कई बार आया है और आपके टीजीटी परीक्षा में भी एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आए भी हैं और बार बार आते भी हैं, आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था, ऑप्शन ए है जतीन मोहन सेन, ऑप्शन बी है सूर्य सेन, ऑप्शन सी है
रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी है तीन बंधु मित्र। इसका सही आंसर होगा बी सूर्यसेन। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता था या मास्टर दा के नाम से विख्यात थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र घटना में कौन शामिल था? ऑप्शन ए है कांग्रेस उग्रवादी, ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग उग्रवादी, ऑप्शन सी है कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा सी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट यानी सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक है, सूची एक यानी फर्स्ट है क्रांतिकारी संगठन, सूची दो यानी सेकेंड है इसके संस्थापक। तो ए है अनुशीलन समिति, बी है अभिनव भारत, सी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो और सूची सेकंड में संस्थापक में दिया है वन विनायक दामोदर सावरकर, सेकंड दिया है यानी दूसरे नंबर पर वरिंद्र कुमार घोष, और थर्ड यानी तीसरे नंबर पर दिया है सचिंद्र नाथ सान्याल और भगत सिंह। तो इसमें मैच करना है हम लोगों को। तो अभिनव भारत यानी बी जो होगा यह बी डी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर से संबद्ध होगा। इसके बाद ए जो है अनुशीलन समिति सेकेंड से मैच होगा यानी वरिंद्र कुमार घोष अनुशीलन समिति के संस्थापक। इसके बाद सी जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जिसे एच एस आर ए के नाम से जाना जाता था इसके संस्थापक। थर्ड मैच होगा सचिंद्र नाथ सान्याल और भगत सिंह होंगे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ए का दो हो जाएगा, बी का वन और सी का थ्री हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके पीजीटी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सब, आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा की थी यानी यह स्टेटमेंट है तो किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जा चुका है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा की थी। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है भगत सिंह ने, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस ने और ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद ने। इसका सही आंसर होगा सी सुभाष चंद्र बोस ने यह घोषणा की थी, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम है। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है सरदार भगत सिंह और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा डी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? ऑप्शन ए है अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन बी है राजेंद्र लाड़ी, ऑप्शन सी है रोशन सिंह, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही आंसर होगा डी चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड
केस में से संबद्ध थे लेकिन अरेस्ट नहीं किए जा सके, इस प्रकार यह फरार रहे और मुकदमे का सामना नहीं किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके TGT में भी पूछा जा चुका है, कई परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आ चुका है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए है अप्रैल 1929 में, ऑप्शन बी है अप्रैल 1930 में, ऑप्शन सी है मार्च 1931 में और ऑप्शन डी है फरवरी 1933। तो इसका सही आंसर होगा सी, मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वीडी सावरकर किससे संबंधित थे? वीडी सावरकर का पूरा नाम आप लोग जानते ही होंगे, विनायक दामोदर सावरकर, जो वर्तमान महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे। यह सब तो क्वेश्चन कह रहा है यह किससे संबंधित थे, किस संस्था से? तो ऑप्शन ए है अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी है युगांतर पार्टी, ऑप्शन सी है गदर पार्टी और ऑप्शन डी है अभिनव भारत। तो वीडी सावरकर संबंधित थे, ऑप्शन डी सही होगा, अभिनव भारत से संबद्ध थे। तो इस प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित। इस प्रकार हम लोग फिर अगले भाग में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।